हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम ग्रामीण चिकित्सकों को सावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माना कि कोविड-19 पर ग्रामीण चिकित्सकों को काफ़ी उन्होंने सराहना की और ग्रामीण चिकित्सकों के रोल के लेकर उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और एक सकारात्मक कदम लेते हुए उन्होंने ट्रेनिंग भी कराई बहुत कम पैसे पर। और तरह तरह के अभी चर्चा चलती है, सुनने में मिलता है कि बिहार सरकार एक कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगी ग्रामीण चिकित्सकों के हक में और इसकी बहाली हो सकती है, लेकिन हम लोगों को अभी ऐसा कोई अपने विश्वस्त सूत्र से ऐसा या टीवी न्यूज चैनल से या कोई मंत्री या किसी वरिष्ठ नेता के माध्यम से जानकारी नहीं मिली है। ये हम लोग आशा कर सकते हैं, आशा पर दुनिया टिकी हुई है और इस तरह से सरकार पर ज़्यादा आपका भरोसा हो जाएगा तो सभी ग्रामीण चिकित्सक धोखा खा जाएंगे। आपको धोखा से बचाने के लिए अपने प्रैक्टिस पर आप ध्यान दें, अपने टैलेंट पर ध्यान दें। MBBS का नाम ऐसे ही नहीं है, केवल जानकारी मात्र ही MBBS का नाम नहीं है, बल्कि MBBS का एक शेड्यूल रहता है और इसकी पढ़ाई रहती है और उसके अनुसार उनका डिग्री डिप्लोमा भी रहता है। ग्रामीण चिकित्सक का पढ़ाई है, अनुभव है, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास में कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं रहता है। आप दूसरे के फेरे में रही क्या रहेंगे, किसने क्या कहा, बल्कि आपको खुद आपको टैलेंट अपनी निखारनी चाहिए। यदि आप ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे और मरीज ठीक होंगे और आपका क्लिनिक बढ़िया होगा और आपका नॉलेज बढ़िया होगा, लोगों का फायदा मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपका मान प्रतिष्ठा मार्केट में, समाज में, गांव में, शहर में, यानी सभी जगह पर मिलेगा। आप सरकार की बात सुनिए, आप ध्यान लगाए रखिए सरकार के बात पर, लेकिन पूरा विश्वास करके आप चलेंगे तो आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको बहाली किसी माध्यम से रुकवा दी जाए अथवा अन्य कोई बात कहकर टाल दी जाए। चूँकि ये बात आपको कतार सिंह कमेटी 1972-75 में आपको ये बात चर्चा हुई थी। कतार सिंह कमेटी 1975 में ये सिफारिश लागू हो गया था कि ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली करनी है। उस समय में कांग्रेस की सरकार थी और आज के समय में BJP, कहीं कहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सरकार है। ये लोग भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बहाली कर ही दे और धीरे धीरे हो सकता है कि आपको लटकाना शुरू कर दे। आप सरकार पर नज़र बनाए जरूर रखिए, लेकिन अपना सर्टिफिकेट का थोड़ा सा आप फेरे में अवश्य रहिए। जिनके पास ट्रेनिंग होगा, वैध प्रमाण पत्र होगा, बहाली उन्हीं को होगी। जिन ग्रामीण चिकित्सकों का अगर ट्रेनिंग आपको है और सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनकी बहाली हरगिज नहीं हो सकती है। एक तो सरकार यदि ट्रेनिंग कराती भी है तो आपको 4 से 5 साल का समय लगता है। उससे बेटर है कि आप प्राइवेट से आप कर लें और सर्टिफिकेट आप उसकी व्यवस्था करें। और आप सर्टिफिकेट के लेने के व्यू से, सरकारी नौकरी करने के व्यू से यदि आप तैयार रहते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। यदि सरकार बहाली नहीं करती है, उस कंडीशन में आप अपना परिकल्पना कर लीजिए। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक ऐसे होंगे जो सरकारी घोषणा के बाद में, सरकार से ट्रेनिंग लेने के बाद में वो सोच रहे होंगे कि हमारी बहाली कहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो आप रोड पर आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपका भविष्य जो है बना रहे, इसलिए आप अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने काम पर ज़्यादा फोकस लगाएं। यदि क्लिनिक आपका अच्छे ढंग से संचालित होगा तो स्वतः आपका नाम शोहरत और आप स्वावलंबी बनते जाएंगे। सरकार आपको नौकरी दे या न दे, आप उस पर निर्भर आप नहीं करेंगे। निर्भरता अपने को
कम करिए और अपने को हुनर स्किल को आप डेवलप करिए। आप बढ़िया से ट्रेनिंग किसी भी संस्था से आप लीजिए, लेकिन उसमें आपको जानकारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हमेशा अक्सर कई वीडियो बन रहे हैं बहाली को लेकर, संवाद को लेकर मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद में, लेकिन वो बहुत दिन के बाद में कुछ बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा शक लगता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जिस दिन ये दो दिन चार दिन पाँच दिन पर कहने लगेंगे तो आप समझिए कि आपका काम हो रहा है, अथवा आपको किसी भी स्टेज से घोषणा कर दें तभी भी ऐसे देश के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों का ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सक पर यानी ग्रामीण डॉक्टर पर उनका नज़र खास बना रह रहा है और इनको वोट को लेकर। यदि वो भी बात सही है तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए और मीटिंग सभा कीजिए और ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद का नारा भी लगनी चाहिए। हम परिकल्पना हाइपोथेसिस नहीं कर रहे हैं बल्कि सच्चाई यही है। गांधी जी ने भी तरह तरह का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा दिया था आज़ादी के लिए, और विभिन्न तरह के नेताओं ने आज़ादी के लिए आपको लड़ाई के लिए नारा दिया था, तो उसमें आपको ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद की भी नारा लगानी ही पड़ेगी, इसका कोई उपाय नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक यदि जिंदाबाद का नारा चारों तरफ लगने लगेगा, वहाँ पर 20-50-100 की संख्या में आप इकट्ठा हो जाएंगे, छोड़िए आपके हक की लड़ाई है, ये ग्रामीण चिकित्सकों की हक की लड़ाई है, मुंह को खोलिए। थोड़ा सा कहने में आपको लगेगा हम क्या बोल रहे हैं, हिचक को तोड़िए और पढ़िए फेर में। यदि आपको चाहिए नौकरी, नौकरी ऐसे ही कोई नहीं दे देगा, ये तो 1975 की बात है। आपको 45 साल बाद तक जब किसी ने नौकरी आपको नहीं दिया तो अब 4-5 साल में आप आशा करना बिल्कुल बेकार बात है कि बहाली होगी। बहाली हो भी सकती है, हमें नहीं कहते नहीं होगी, लेकिन पूरा उसी पर डिपेंड रहना और दिन रात सोचते रहना और सर्टिफिकेट को लेकर देखते रहना कि हाँ बिहार सरकार ने आपको ट्रेनिंग दिलाई है, यूपी सरकार ने ट्रेनिंग दिलाई है, अन्य सरकारें भी ट्रेनिंग दिला रही होंगी, आप लेकर उसकी आशा कर रहे हैं कि बहाली होगी, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। आपका हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अपना स्किल डेवलप करिए, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने कर्म का पूजा कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल न करें, नहीं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। हमें अपने YouTube के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को एक से बढ़कर एक जानकारी हम देते रहते हैं ताकि आपको चाह कर भी कोई धोखा नहीं दे पाए, और चट्टानी एकता के साथ और बिना किसी भेदभाव को ग्रामीण चिकित्सकों को एक संगठन और संगठित हो जानी चाहिए और संगठन में रहनी चाहिए। कहीं भी जाइए तो उसमें ग्रामीण चिकित्सक का आप बात करें, आपका कोई भी नेता आपके क्षेत्र में आएगा तो आपको भी स्टेज जरूर मिलेगा। भले ग्रामीण चिकित्सक सब लोग भाषण नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक बहुत बढ़िया भाषण करते हैं और अपने भाषण का फायदा ये पूरे समाज को, अपने पूरे ग्रामीण चिकित्सक को दिलवा सकते हैं। बहुत ग्रामीण चिकित्सक तो आप कहेंगे कि हाँ क्या बोलते हैं, और तालियां गड़गड़ाहट हमेशा बजती रहती है, बोलते रहती है। ग्रामीण चिकित्सक का आपको सुनिएगा भाषण तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाइएगा। जब खोजिए सर्विस, ये पुलिस डिपार्टमेंट जैसा काम करता है 24 घंटा, ठीक उसी तरह से ये ग्रामीण चिकित्सा विभाग भी काम करता है। कभी ये लोग सोते नहीं हैं, जब जगाइए, पैसा हो या ना हो कौन देता है, बगल में कोई गिर जाता है। अभी की एक घटना हुई है कि हमारे एक छत से जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एक बेचारे वो एक ठेला चलाकर भरण पोषण अपने परिवार का करते थे, दुर्भाग्य से उन्होंने और उनका पैर फिसल गया और 3 ताले से नीचे वो एक आ गए और उन्हें काफ़ी उनका हाथ पांव भी टूट गया, बेचारे संयोग भाग से बच गए हैं। उस समय में 2 घंटे तक 1 घंटे तक डॉक्टर के यहाँ शराब रोगी का ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वहाँ पर उनका स्टिच भी दिया गया, ब्लड को रोका गया, प्राथमिक उपचार किया गया, मरीज काफ़ी राहत में आया,
उसके बाद आपको 1.5 से 2 घंटा के बाद में गाड़ी आई और गाड़ी से उन्होंने रेफर किया, तब शहर की तरफ रोगी गया। अब समझ सकिए कि कौन था, वो भी MBBS और बड़े बड़े डॉक्टर, सोचिए ग्रामीण डॉक्टर भी नहीं थे, लेकिन फ़ोन करने के बाद में बिना नाश्ता किए, बिना चाय पिए, बिना अपना घर परिवार को देखे, बिना खेती बाड़ी को देखे, बिना अपना समाज को देखे, अपने बच्चे को देखे, सुबह एकदम उस रोगी के लिए तुरंत ग्रामीण चिकित्सक चले आए और प्राथमिक उपचार के बाद में काफ़ी रोगी रिलैक्स हुआ और इस तरह से जीवन को उन्होंने बचाया। तब वहाँ पर 2 घंटे का 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर रेफर किए गए हड्डी के डॉक्टर के पास में। अब बताइए ग्रामीण चिकित्सक यदि नहीं रहे तो आप जाते जाते रोगी का जान चला जाएगा। जो उतने बड़े ऊंचाई से जो व्यक्ति गिर गया हो, कल्पना कर सकते हैं कि उसका कष्ट क्या रहा होगा। और इस तरह से ग्रामीण चिकित्सक कितना तत्पर होते हैं, कितना जल्दी आ जाते हैं, बिना किसी लोह लालच के। वो व्यक्ति के पास पैसा है कि नहीं है इसकी भी चिंता नहीं करते हैं। और COVID-19 में तो नीतीश कुमार जी बहुत प्रशंसा कर चुके हैं। हम नीतीश कुमार जी का कहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक ऋणी है, लेकिन थोड़ा शक की गुंजाइश तो रह जाता है अगर साफ साफ नहीं बोलते हैं। और कोड वर्ड में आप बात करेंगे तो ग्रामीण चिकित्सक हमारे सरल होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, आपके हर बात को, मंशा को समझ नहीं पाएंगे। नेता तो है नहीं पार्टी का कोई बहुत बड़ा, आप तो पद ग्रामीण चिकित्सक को दिए नहीं हैं कि आपके बात उनको डायरेक्ट आ रहा है ताकि अपने समाज को बता सके। आप ही के अगल बगल के कोई मंत्री है, कोई कुछ चिकित्सा विभाग का कुछ है, पद पर कुछ दिए हुए हैं, वही लोग थोड़ा बहुत कहता है कहीं कहीं अपने वीडियो के माध्यम से, वही जानकारी होता है ग्रामीण चिकित्सकों को, उसी के आधार पर हम लोग एक हाइपोथेसिस करते हैं। तो बहाली हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन हर हाल में ग्रामीण चिकित्सक को ऐसे ही मजबूती दिखानी चाहिए और हमेशा एक समान आपको ये संगठन में रहने की अपील करनी चाहिए। और चुनाव आए तो ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद का नारा आप लोग अवश्य लगाइए। हमें मौका मिलेगा तो हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे। और हम सभी ग्रामीण चिकित्सक से हम कहना चाहेंगे कि आप जहां भी हो जोर लगाइए, ताकत लगाइए। भविष्य का सवाल है आपका, भविष्य का सवाल आपके कई वंशों का भविष्य का सवाल है। नहीं तो ये 45 साल बाद यदि बहाली नहीं हो सका तो आप 5 साल में आप बहाली कर लेगी सरकार, इसमें हमको शक जाता है। इसलिए हमेशा आप सावधानी के साथ काम करें और आगे बढ़ते रहिए। हमेशा हमारा चैनल आपके तरक्की के लिए और ग्रामीण चिकित्सकों के हक के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसे मेरा भाषण नहीं समझेंगे बल्कि जो हकीकत बात होता है वही हम कहते हैं। जब कतार सिंह कमेटी ने जब कह दिया तब बहाली क्यों नहीं हो रही है। सारे दुनिया में कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक का, किसान श्री का, कौन कौन विकास मित्र, कौन मित्र, सारा का बहाली हो रहा है, सारा का सरकार आवश्यकता समझ रही है। और ग्रामीण चिकित्सकों को लॉलीपॉप धरा रही है, बातचीत से करने से पेट नहीं भरेगा। माननीय नेताजी आप लोग समझिए, जब नेताजी आप बात नहीं समझेंगे तब तो ग्रामीण चिकित्सकों का विकास नहीं हो पाएगा। और आप परिकल्पना करते हैं जो भी फैक्ट्री खुलेगी वहाँ प्राथमिक उपचार के डॉक्टर चाहिए, कोई मजदूर घायल हो जाएगा, बड़े डॉक्टर के पास ले जाने के भी होनी चाहिए कायदा, कौन क्या हुआ है, प्राथमिक उपचार के बाद ही कहीं कोई जा पाएगा। इसलिए जो बड़े चिकित्सा करते उससे थोड़ा सा भी प्राथमिक उपचार को आप कम मत आकिए, क्योंकि फर्स्ट यही लोग होते हैं। जो प्रथम होता है उसको वैल्यू दीजिए, और वैल्यू आप देते हैं तो ठीक है, और नहीं भी देते हैं तो ग्रामीण चिकित्सक अब जग चुके हैं और अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।